मैंने सिलाई में 45 डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, 45 डिज़ाइनर स्टिचेस, और 8 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिसे 4 लाइन उल्टे फंदों की 4 धारियां आ गई हैं, आगे से भी और पीछे से भी। और अब ये 9th रो है। मैंने 10 नंबर की सिलाई इस्तेमाल की है। 9th रो में हम 21 फंदे सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 फंदा सीधा बनाने के बाद इन तीन फंदों को यानी 22, 23, 24 के हम दोनों तरफ हमें जाली डालना है, यानी ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा, ये 22 फंदा सीधा बुन लिया, ऊन अपनी ओर किया, 23वां फंदा जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर किया, 24वां फंदा जाली देते हुए सीधा, और फिर इस फंदे के बाद ऊन अपनी ओर करेंगे और शेष फंदे 21 फंदे सीधा बुन देंगे, यानी जाली देते हुए, ये 25वां फंदा के पहले हमने जाली दिया है, जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 11वीं लाइन और सामने से 22 फंदे सीधा बुन लेंगे। तो 22 फंदे सीधा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। 22 फंदे सीधा बुनने के बाद उन अपनी ओर करेंगे और 23 फंदे के दोनों तरफ हम जाली देंगे, फिर उन अपनी ओर किया और जाली दिया, और अब फिर हमको ये जो तीन फंदे हमारा था 22, 23, 24, इनकी हमको दोनों तरफ जाली देना है। उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, और फिर यहाँ पे 22 फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। 9वीं लाइन में हमने 4 जाली डाला था, 1, 2, 3, 4, और 11वीं लाइन में हमें 6 जाली डाला, शेष फंदे सीधे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। 13वां लाइन और सामने से 23 फंदा सीधा बुनेंगे, और अब 24वें फंदे के दोनों तरफ हमें जाली डालना है, तो जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए तीन फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, और अब हमें फिर इस फंदे के दोनों तरफ जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए तीन सीधा फंदा बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 15वीं लाइन और सामने से 24 फंदा सीधा बना लेंगे। अब हमको इस फंदे के दोनों तरफ जाली देना है, तो देखिए फ्रेंड्स, तीन ये लाइन जा रहे हैं, 1, 2 और ये 3, और इन तीनों लाइनों के दोनों तरफ हमें जाली डालना है, तो ये 3 जाली पड़ गया है और ये चौथा जाली बनने वाला है। तो इसी तरह हमको इसी के जाली के ऊपर जाली डालते हुए, देखिए फ्रेंड्स, जाली के ऊपर जाली बनाते हुए मैंने 7 जाली कंप्लीट कर लिया है, यानी 14 लाइन बुना जा चुका है बॉर्डर के बाद, और अब ये 15वां लाइन है, और अब मैं यहाँ पे दोनों साइड वाले जाली पे जाली नहीं दूंगी, बस बीच वाले लाइन पे हमें जाली देना होगा। तो
28 फंदा मैंने सीधा बुन लिया है और 29वें फंदे पर जाले डालना था, लेकिन अब मैं जाले नहीं डालूंगी और इसे ऐसे ही प्लेन बुनती चले जाऊंगी बीच की लाइन तक। देखिए फ्रेंड्स, सीधा बुनते हुए मैं बीच में आ गई हूँ। अब मुझे इस बीच वाले लाइन के दोनों तरफ जाली डालना है। ये किनारे किनारे वाले पे अब हम जाली नहीं डालेंगे, सिर्फ बीच वाले पे हमें जाली डालना है और 14 जाली हमको कंप्लीट करना है। 7 ये बन चुका है और ये 8वां जाली पड़ने जा रहा है, यानी ये बॉर्डर के बाद 15वीं लाइन है। तो इसके दोनों तरफ मैंने जाली डाल लिया है। शेष फंदे सीधा बुनूंगी और लौटते समय सभी फंदे उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, ये 17वां लाइन है और सीधा सीधा बुनते हुए मैं बीच में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। ये 7 जाली हमको दोनों साइड में बनाना है, उसके बाद इधर दोनों साइड के को में जाली बनाना हम छोड़ देंगे और सिर्फ सेंटर में हम इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनाते रहेंगे 14 जाली कंप्लीट होने तक। अब उन आगे करेंगे और बीच वाले ये जो सीधी लाइन गई है इसके दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे और ये हमारा 9वां जाली कंप्लीट हो रहा है। और इसी तरह बुनते हुए हम 14 जाली कंप्लीट करेंगे। तो 14 जाली कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 14 जाली कंप्लीट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 14 जाली कंप्लीट हो गया है और मैं सीधा सीधा बुनते हुए बीच में आ गई हूँ। और अब मैं इधर न जाके वापस यहीं से हम लौट जाएंगे और अब 12 लाइन प्लेन बुनूंगी, यानी पीछे से सभी फंदे उल्टे और आगे से सभी फंदे सीधे। अब हम दूसरी साइड में नहीं जाएंगे, बस इतने फंदे ही हम बुनेंगे 12 लाइन तक। देखिए फ्रेंड्स, 11 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब ये 12वां लाइन है। यहाँ देखिए चेन दिखाई देगा, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 6, छठा चेन। तो अब हम 6 फंदे घटा देंगे। दो, तीन, चार, पाँच और 6। अब इन बाकी फंदों को हम प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। सीधा उल्टा बुनते हुए ये 5वां लाइन कंप्लीट हो गया है और अब ये 6ठा लाइन है। हमको ऐसे मुड़ने पर ये बराबर आना चाहिए। तो ये 6ठा लाइन है और अब हम यहाँ पे 10 फंदे घटा देंगे। दो उल्टा बुना, एक फंदा इस पे चढ़ा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको फिर वापस बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है, इधर का पोर्शन अब ये कंप्लीट होता है और सेम ऐसे ही हमें इस साइड भी बनाना होगा। यहाँ पे हम ऊन अटैच करेंगे और 12 लाइन सीधा बुनेंगे। 12 लाइन सीधा बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे 6 फंदे घटाएंगे। 12 लाइन सीधा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 12 लाइन कंप्लीट हो गया है
और अब हम यहाँ पे 6 फंदा घटाएंगे। अगर आपके पैर की उंगली छोटी हो तो आप यहाँ पे 10 लाइन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ 12 लाइन बनाई हूँ। तो यहाँ पे हम 6 फंदा घटाएंगे। देखिए इसी साइड में ये वाला फंदा भी घटा हुआ है। तो 6 फंदा हम घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और अब बाकी फंदे जो हैं सबको हम 6 लाइन तक सीधा उल्टा बुनेंगे। आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो 6 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन कंप्लीट हो गया है। इन ऐसे मोड़ने पर ये दोनों एक बराबर आने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने पहले 6 फंदे घटाया था और फिर अब यहाँ पे हम 10 फंदे घटाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। और फिर वापस इसको 22 सिलाई में कर देंगे। अब हमारा ये जूता बनके तैयार है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐसे, देखिए हमारा जूता बनके तैयार है। अब इन दोनों हिस्सों को ऐसे लाएंगे और जैसे कंधा जोड़ते हैं वैसे हम जोड़ लेंगे। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दोनों में से एक एक फंदा लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा लेंगे। ऐसे करके हम सारे फंदे उतार लेंगे या फिर तीसरी सिलाई में दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा तीसरी सिलाई में लेते जाएंगे। ऐसे करके सारे फंदे तीसरी सिलाई में उतार लेंगे। फिर इसे दूसरी सिलाई में उतार लेंगे क्योंकि हमारा बुनने वाला सिरा इस साइड में है। वापस इसे दूसरी सिलाई में सारे फंदे कर लेंगे। और अब एक एक, देखिए दो दो का ये पेयर बन गया है। तो दो दो फंदे लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इस तरह बुनने से फंदे गिरने का डर ख़त्म हो जाता है और फंदी जल्दी उतर जाते हैं। तो इसी तरह करते हुए सारे फंदे उतार देंगे। सारे फंदे उतर गए हैं और इस लूप से हम अब गोला निकाल लेंगे। और अब हमें यहाँ सिलाई करनी है और आगे वाले पोर्शन पे थोड़ी सी सिलाई करनी है यहाँ पे। तो हम चलिए सिलाई करते हैं। ऊपर की तरफ हम कई राउंड कर देंगे, मजबूत कर देंगे क्योंकि यहाँ से ऊन कटने का डर रहता है। और उसके बाद नीचे तक सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हमको सिलाई करनी है।